हे गाइस, मैं कमलेश मेहता आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज के इस व्लॉग में मैं पिथौरागढ़ शरदोत्सव को कवर करने जा रहा हूं। आशा और उम्मीद करता हूं आपको आज का मेरा यह व्लॉग बेहद पसंद आएगा। गाइस, अक्सर सर्दियों में शरदोत्सव का मेला पिथौरागढ़ शहर के देव सिंह मैदान में लगता है, जहाँ देश के विभिन्न राज्यों से और पिथौरागढ़ शहर के हर एक कोने से व्यापारी यहां पर अपनी दुकानें लगाते हैं मेले की रौनक बढ़ाने के लिए। यहां पर झूले, टॉय ट्रेन और बेहद सारी साहसिक और मनोरंजक गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं। साथ ही साथ यहां पर उत्तराखंड के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी मंचन किया जाता है। शरदोत्सव मेले की रौनक में चार चांद लगाने के लिए अक्सर उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक, गायिकाएं और कलाकार शरदोत्सव मेले में अपनी प्रस्तुति से मेले में उत्साह और उमंग भर देते हैं। गाइज, अभी संध्याकाल का वक्त है और पिथौरागढ़ के शरदोत्सव मेले में जिस कदर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, यह बताता है कि पिथौरागढ़ के लोगों में मेले के प्रति कितना उत्साह और उमंग है। मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पर विभिन्न व्यापारियों द्वारा लगाए गए स्टॉलों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने की। शरदोत्सव मेले में आपको सर्दियों के कपड़े और साथ ही साथ दैनिक घरेलू वस्तुओं की खरीदारी करने हेतु बेहद सारी दुकानों का विकल्प मिल जाता है। साथ ही साथ पिथौरागढ़ पुलिस तैनात है मेले में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु। मेले में खरीदारी के साथ साथ आपके मनोरंजन के लिए यहाँ पर बेहद सारे लोक गायक की शानदार प्रस्तुतियां देखने को मिलती हैं। उत्तराखंड के इन लोक गायकों की शानदार प्रस्तुतियां शरदोत्सव मेले की समा को बांधे हुए हैं। गाइज, शरदोत्सव मेला आपके लिए लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए एक बेहद अच्छा विकल्प है, जहां पर आपको स्थानीय मसाले व पीसा हुआ नमक जैसे कुछ प्रोडक्ट और साथ ही साथ दैनिक घरेलू वस्तुओं की खरीदारी करने हेतु शरदोत्सव मेला एक बेहतरीन विकल्प है, जहां पर आपको दैनिक घरेलू वस्तुएं उचित दाम पर मिल जाती हैं। यहां पर आपको सर्दियों के लिए कंबल, रजाई, तकिया और बेहद सारे अन्य घरेलू प्रोडक्ट्स बेहतरीन दाम पर मिल जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर बच्चों को रिझाने के लिए बेहद सारी खिलौनों की दुकानें लगी हुई हैं। और साथ ही साथ आपको देर रात तक पिथौरागढ़ के स्ट्रीट फूड का जायका लेने को भी मिल जाता है, जो मेले में आए हुए दर्शकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। स्ट्रीट फूड का जायका लेने के पश्चात मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ शरदोत्सव की एक शानदार प्रस्तुति। Oh, 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 oh
गाइज, अब वक्त आ चुका है आपसे विदाई लेने का। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे अन्य ब्लॉगों पर यूं ही अपना प्यार बरकरार रखें। धन्यवाद।